हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुजातास किचन एंड लाइफस्टाइल। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं एक और वीडियो के साथ आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ। तो ये जो मैं आज थाली की रेसिपी लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी इसमें बिल्कुल भी कोई मसाला नहीं है और बहुत ही कम तेल और कम मसाले में ये वेज खाना, शुद्ध शाकाहारी खाना बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स। ये जो खाना है ना, वो हमारे सभी के घरों में ज़रूर बनता है फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी चीज़ खा लें बट दाल चावल रोटी ये सब ना खाए ना, तो हमारा जो दिनचर्या है वो पूरा नहीं होता, खाली खाली लगता है। तो चलिए बनाते हैं इस थाली को। तो मैं लेकर आई, मैं आज बनाने वाली हूँ सादा कद्दू। तो कद्दू यानी लौकी, तो हम लोग कद्दू बोलते हैं बिहार में, से कद्दू बोलते हैं। और ये देखिए, ये मैंने कट कर लिया है लौकी को। तो इसमें बीज थी इसलिए मैंने इसका बीज जो है वो निकाल लिया है और इसे प्रेशर कुकर में डालकर उबाल लूँगी। और इधर मैं बनाऊँगी करेले का भुजिया। तो करेला भी मैंने कट कर लिया है और वॉश करके पानी में रखा है। तो चलिए बनाते हैं फटाफट से। और ये पूरी जो थाली है ना फ्रेंड्स, वो आधे घंटे में बन जाएगी। तो मैं जो ये जो कद्दू है ना, वो प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ, 2 से 3 सीटी से लगा लूँगी, क्योंकि ये जो बीज वाले कद्दू हो गए थे तो इनको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हमारा गैस भी बहुत ज़्यादा लगेगा और टाइम भी लगेगा। इसलिए इस तरह से बनाने से टाइम भी कम लगता है और गैस भी। तो मैंने इसे चढ़ा दिया है। इधर में करेले का भुजिया है, वो बनाने में थोड़ा सा लेट लगता है क्योंकि उसे धीमी आंच में बनाया जाता है। तो मैं यहाँ पर एक तरफ करेले का भुजिया को छौंक लूँगी। तो मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है और कोई भी फ़ौरन या तड़का नहीं डाला है, सिर्फ करेला जो हमने काट करके रखा था उसे ही अब मैं इस तेल में डालकर भूनूँगी धीमी आँच पर, क्योंकि जब धीमी धीमी आंच पर पकता है ना और बिना ढके। और इधर में मेरी जो कद्दू है वो लौकी, वो 3 सीटी लग चुकी है, तो अभी मैं उसे तड़का लगा लूँगी। तो तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच सरसों का तेल और उसमें डाला है 5 फ़ोरन और लिए हैं काले वाले सरसों। और लूँगी मैं यहाँ पे छोटी चम्मच के हिसाब से जीरा, साबुत जीरा लिया है। और बस तड़का लगाएंगे और हरी मिर्च ऐड कर देंगे लास्ट में। और जो कद्दू हमने बॉयल किया है वो हम अच्छे से पानी से छानकर इसमें छौंक लगा देंगे, जिससे कि इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आएगा और जल्दी बन भी जाएगा तड़का लगाने से। तो 5 फ़ोरन का जो तड़का है ना, वो कद्दू में, बैंगन में ये ज़रूर लगाइए, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक और हल्दी। ये डालकर मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। और लौकी को उबाल लेने से ये बहुत जल्दी आपस में घुल जाएंगे, तो हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से मैं मिलाती जाऊँगी और भूनती जाऊँगी। और एक तरफ जो है हमारा जो करेला का जो मैंने भुजिया यहाँ पर छौंका था, वो भी देखिए, हाफ करेला जो है हमारा वो अच्छे से भून चुका है। तो अभी मैं इसमें 4 से 5 मोटे आकार में कटे हुए प्याज ऐड कर रही हूँ। तो करेले में प्याज बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्याज जितना डालेंगे ना, जो करेले का कड़वापन है उतना ज़्यादा वो कट जाता है और जो हमें मीठा फ्लेवर देता है तो कड़वापन बहुत कम हो जाता है। इस तरह से प्याज डालकर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी हल्दी और नमक। हल्दी और नमक डालकर मैं धीमी आँच पर उसे पकाती रहूँगी जब तक ये अच्छे से गोल्डन कलर के नहीं हो जाते और प्याज भी हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे जब तक। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, कद्दू भी हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है। मैं इसे अच्छे से बस इसे मिक्स कर लेना है हमें आपस में। तो इस तरह से चमचे से देखिए, मैं इस तरह से टैप टैप करूंगी तो वह आपस में अच्छे से घुल जाएंगे।
और हमारा जो कद्दू है वो बनकर तैयार हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, कद्दू का सब्जी जो है, लौकी का सब्जी, वो बनकर रेडी हो गया है और करेले का भुजिया भी हमारा ऑलमोस्ट होने ही वाला है। तो 5 से 7 मिनट इसमें और लगेगा, तब तक मैं दूसरी तरफ दाल और चावल की तैयारी कर लेती हूँ। तो दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मसूर की दाल ली है। तो मसूर की दाल को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे और कुकर में ऐड कर देंगे। आप आधी कटोरी अगर दाल ले रहे हैं तो उसी कटोरी से 4 कटोरी पानी कर लीजिए और हल्दी नमक ऐड कर दीजिए स्वाद के अनुसार से। तो मैं यहाँ पे आधी कटोरी के हिसाब से अगर ले रही हूँ तो आधी आधी चम्मच मैंने हल्दी और नमक ऐड कर दिया है और मैं इसमें ही आलू को धोकर डाल दी हूँ, जिससे कि हमारा जो चोखा है वो भी बन जाएगा। तो और इसमें कुकर को ढक्कन बंद करके मैं इसे चढ़ा दूँगी। और देखिए, जो हमारा करेले का भुजिया है वो भी बन चुका है फ्रेंड्स। तो ये हटाकर मैं इसमें चावल चढ़ा दूंगी। सो फ्रेंड्स, एक तरफ दाल चढ़ा दिया है और एक तरफ चावल चढ़ा दिया है। तो 3 से 4 सीटी में दाल अच्छे से हो जाएगी और चावल भी अरवा चावल है तो वो भी जल्दी से 10 मिनट में हो जाएगा। और एक तरफ देख लीजिए, मैंने करेले का भुजिया और हमारा कद्दू का सब्जी बिल्कुल रेडी है फ्रेंड। तो और इधर मैं पुदीने की चटनी की तैयारी कर लेती हूँ। तो पुदीने के पत्ते मैंने अच्छे से वॉश करके रखा है, अभी इसमें मिक्सी के जार में डालकर इसको पीस लूँगी। तो सारे पत्तों को मैं अच्छे से वॉश कर ली हूँ, वॉश ज़रूर कर लीजिए 4 से 5 पानी में। अभी ऐड कर दूंगी इसमें स्वाद के अनुसार नमक और चीनी। तो खट्टा मीठा सा हमारा चटपटा सा पुदीने का चटनी बनेगा। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पे चीनी ऐड किया है और 2 हरी मिर्च तोड़कर ले लिया है और 5 से 6 कलियाँ मैं यहाँ पर डाल दूंगी लहसुन के। और खट्टापन भी होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे अगर कच्चे आम हैं तो आपके पास तो वो डाल दीजिए, नहीं तो इमली के इस तरह से बीज निकाल लीजिए और अच्छे से इसमें ऐड कर दीजिए। तो अभी मैं इसको पीस लेती हूँ। तो पुदीने की चटनी भी हमारी रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। तो एक तरफ देखिए, जो चावल है वो भी उसमें भी बॉयल आने लगा है। तो 5-7 मिनट में चावल भी हो जाएगा। जब तक मैं देखिए, हमारा दाल भी बन चुका है, 3 सीटी लग चुकी है। अब मैं दाल भी देख लेते हैं। तो दाल थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था मुझे, इसलिए मैं इसमें 1/2 ग्लास गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। कभी भी ठंडा पानी ना डालें। अगर चावल का पानी भी एक्स्ट्रा है ना, तो आप चावल में से भी पानी, जो गर्म पानी है, वो भी निकाल कर इसमें डाल सकते हैं। तो मैं देखिए, आलू भी अच्छे से बॉयल्ड हो चुका है, तो हम आलू को दाल से अलग कर लेंगे और ठंडा होने के लिए रखेंगे। अभी मैं तड़के की तैयारी कर लेती हूँ। दाल को छौंक लगाना है, तो मैंने यहाँ पे सरसों का तेल ले लिया है और इसमें 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा ऐड किया है, साबुत जीरा। और जीरा को अच्छे से हम गोल्डन ब्राउन होने देंगे। तो देखिए, अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अभी मैं ऐड कर दूंगी इसमें लाल मिर्च, लाल सूखी मिर्च लिया है मैंने, तोड़कर ऐड कर दीजिए या साबुत भी डाल सकते हैं, डंठल हटा दीजिएगा। गैस मैंने बंद कर दिया है और चम्मच से इस तरह से मिलाकर मिर्ची को दोनों तरफ से पका लूँगी। तो आधा जो इसमें का तेल और जीरा और मिर्च है वो मैं ये जो आलू का मैं चोखा बना रही हूँ उसमें डाल दूंगी और आधा मैं यहाँ जी दाल को तड़का लगा दूंगी। तो एक ही चीज़ में देखिए, हमारा 2 चीज़ रेडी हो गया। तो देखिए, दाल बिल्कुल परफेक्ट बना है। अभी मैं इसमें चोखा में ऐड कर दूंगी नमक, स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दूंगी और मिर्च को इस तरह से हाथों से मसल कर हम चोखा में, आलू के चोखे में ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो हमारा चोखा भी रेडी हो चुका है, हमारा सभी खाना रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। तो ये लीजिए, आप आ जाइए, थाली हमारी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पर पापड़ तल ली हूँ और यहाँ पे प्याज, हरी मिर्च और हमने जो आलू सेम का अचार बनाया था वो भी मैं इसमें थाली में रखती हूँ। तो देखिए, हमारा जो सिंपल प्योर वेज खाना जो होता है, जो सिंपल हमारे सभी के घरों में बनती ही बनती है, तो ये ज़रूर है, ये हमें ज़रूर खाना होता है फ्रेंड्स। कितना भी आप बाहरी का खाना खा लो, आपको ये ना मिले ना, तो दाल चावल ना मिले ना, तो फिर मन ही नहीं भरता।
तो आपको मेरी आज की जो वीडियो है ना फ्रेंड्स, वो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।